स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था, उसका फॉर्मूला आपका आया था H=I²RT। आज उसी फॉर्मूले से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है जूल का तापन नियम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कक्षा दसवीं में कई बार 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको केवल एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में H=I²RT। तो देखते हैं कि ये टॉपिक इस फॉर्मूले पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो देखिएगा, जूल का तापन नियम, हम जानते हैं विद्युत धारा का तापीय अथवा ऊष्मीय प्रभाव से, विद्युत धारा के तापीय अथवा ऊष्मीय प्रभाव से H=I²RT होता है। अब यहां पर पहले इसको समझ लीजिए, लिखने का मैटर मैं बाद में समझाऊंगा क्या क्या आपको लिखना है। यहां पर एक्स जो थी वो चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा थी, आई चालक में प्रवाहित धारा थी, आर चालक का प्रतिरोध और टी चालक में प्रवाहित धारा में लगा समय। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज क्या है, H को क्या बोलेंगे, I क्या है, R क्या है और T क्या है। तो जो जूल का तापन नियम है वो ये कहता है कि किसी चालक तार में जिसका प्रतिरोध R हो, उसमें T समय तक I मान की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है और धारा में प्रवाहित होने में लगे समय के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इन तीनों टर्म्स को मिलाकर जो नियम बनेगा वो जूल का तापन नियम कहलाएगा। तो इसे साइड में लिख लेंगे। अब देखिएगा आपको लिखना क्या है अगर जूल का तापन नियम पूछा जाता है। तो पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं विद्युत धारा के तापीय अथवा ऊष्मीय प्रभाव से H=I²RT होता है। इस नियम अनुसार यदि किसी चालक तार में I मान की धारा T समय तक प्रवाहित की जाए, और यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा H डैश लगाएंगे, पहला लिखेंगे
एच इज प्रोपोर्शनल टू, पहले टर्म आ रही है आई स्क्वायर, तो उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, यहां आई चालक में प्रवाहित धारा है, अर्थात चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के, वर्ग क्यों बोला, क्योंकि यहां पर स्क्वायर आ रहा था तो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चिन्ह है वो समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो इसे ध्यान रखें। आई के बाद आपके फॉर्मूले में आ रहा है आर, तो अब हम लिखेंगे सेकेंड में एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहां आर चालक का प्रतिरोध, अर्थात चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती। तीसरा, अब R के बाद आपका बचा T, तो H इज प्रोपोर्शनल टू T, यहां T प्रवाहित धारा में लगा समय, अर्थात चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा में लगे समय के समानुपाती होती है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त तीनों नियम जूल के तापन नियम कहलाते हैं। तो देखिएगा कि जूल का तापन नियम जो था आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव से हमने लिखा है, तो ये फॉर्मूला आपको पहले ध्यान रखना है कि H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT होता है। यहाँ पर जो I थी वो धारा थी जो चालक में प्रवाहित की गई थी, R चालक का प्रतिरोध था और T प्रवाहित धारा में लगा समय था। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार में I मान की धारा T समय तक प्रवाहित की जाए और यदि चालक तार का प्रतिरोध R हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा H जो होगी वो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगी और उसमें लगे समय के समानुपाती होगी, जिसको हमने अलग अलग लिख लिया। और ये तीनों नियम ही क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। इसे नोट करें। आगे हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। प्रश्न देखिएगा, यदि किसी 5 ओम प्रतिरोध वाले
चालक तार में 5 एम्पियर की धारा चार सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया, तो हल के अंदर हमें लिखना है दिया है चालक का प्रतिरोध कितना गिवन है आपके पास 5 ओम। ध्यान रखिएगा जहां भी ओम आ जाए प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मान होगा चालक में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर। मैंने बताया था धारा का मात्रक एम्पियर होता है और प्रवाहित धारा में लगा समय कितना गिवन है 4 सेकेंड। क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है चालक में उत्पन्न ऊष्मा। हम जानते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से H = I² RT होता है, तो मान रखते हैं I का मान 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, R का मान 5, I का मान 5 एम्पियर, तो 5 रख देंगे, प्रतिरोध का मात्रक 5 ओम, तो वो रख देंगे समय 4 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 25 × 20, 25 × 50, तो 500। अब जूल यहाँ पर मात्रक लेंगे, रीजन कि ऊष्मा का मात्रक आपका जूल होता है, तो इसे भी नोट करें। वैल्यूज आपको दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी है और आंसर निकाला है। तो आज हमने पढ़ा जूल का तापन नियम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बने रहें समर्पित क्लासेस के साथ, वीडियोस को सब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।